जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हाँ जी भैया। जय बोले भैया। जय बोले की भैया। जय बोले की भैया, हम कानपुर से बोल रहे हैं। कानपुर से? हाँ जी भैया बोलिए। हम ये कह रहे थे आपसे इतनी जानकारी लेनी थी, हमें मेडिकल मेडिकल वगैरह करा लिया है, डिकल वगैरह सब हमने करा लिया, कल ही रजिस्ट्रेशन के लिए 15 को जाएंगे बैंक। हाँ जी। तो ये बताइए हमको कि 23 तारीख हमको मिल जाएगी ना? अभी तो शुरू नहीं हुआ, मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। मिल जाएगी ना, है ना? उम्मीद है मिलने की, क्योंकि हमारे पास 19 फार्म है हमारे। तो ये हम भी ग्रुप है छोटा सा हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप व्हाट्सएप में हो मेरे? अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप में आपका नंबर सेव कर रखा है, उसमें हम आपको महादेव की फोटो वगैरह भेजते हैं महाकाल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम ये कह रहे थे भैया, आप ये बताइए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं, वही से उम्मीद तो है कि नहीं। देखिए अभी तो क्या है, सच्चाई बताऊँ तो, जैसे हम लोग भी हैं, हमने तो अपना मेडिकल भी कराया अभी तक ना, तो मैक्सिमम लोगों का मेडिकल भी नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलिए, इतनी अगर 15 तारीख को फॉर्म खुलते हैं, 15 तारीख को खुलता है रजिस्ट्रेशन, तो बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये खुलने वाली बात है, कम से कम जिनका हो गया उनका तो हो जाए। नहीं एक्चुअली उनका खुल तो खुल इसलिए जाएगा क्योंकि इसका एक रीजन हमने पता किया था कि सीएमओ से जाके डायरेक्ट। हाँ जी। तो सीएमओ से हम गए थे तो हमने, हमारा तो एक मार्च में सबसे पहला रजिस्ट्रेशन हमारा ही हुआ है। अच्छा अच्छा। और उसमें एंट्री होती है वो उसमें रही थी, तो उसमें उसकी ऐसी कोई बात नहीं, पर ये कोरोना के चक्कर में थोड़े चक्कर हमें रहते हैं, हमारे घर से कम से कम 400 कदम दूर दूसरा एरिया लगता है मोहनोड़ा होगा। अच्छा अच्छा। उनके हाँ उनके चक्कर में वहाँ पे फैल गया है। ओहो। उन्नीस केस मिल गए। माय गॉड। तो ये यही टेंशन है एक्चुअली, ये जब तक निजामुद्दीन वाला मामला नहीं था ना, जब तक लग रहा था सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। उसी चक्कर में हुआ, उसी तो यही टेंशन बढ़ गई है। देखो आपका 3,500-4,000 केस पहुँच गया आज, और भगवान ना करे कहीं ये केस बढ़ के ऊपर बढ़ गए तो मुश्किल है फिर कि 15 तारीख को भी लॉकडाउन खुलेगा या मेडिकल शुरू होंगे। ये कंधा भी खुलेगा कर, वो जो भी बोल दिया ना कहीं। हाँ यूपी में तो बोल दिया कहीं कहीं खुलेगा, पर हमारा तो यहाँ का कुछ पता नहीं है। तो दिल्ली का होगा तो दिल्ली में नहीं खुलेगा। कम से कम 1.5 महीने अभी खुल जाए तो सबकी यात्रा हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, है ना? हाँ सही है। वहाँ पर दिल्ली में इन लोग सबको क्या बताइए। हाँ किसी के बारे में क्या बोले, सब समझदार हैं बस, है ना? बात सही है। उसके बाद थोड़ा पढ़े लिखे भी कम होती है ना गिनती, इसलिए थोड़ा सा बस बस जी क्या बोले, भगवान की कृपा से। ठीक है भैया, तो मैं एक बारी हेलो जी बोलिए, जो आपका मेरा बात हुआ इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, थोड़ा बंदों को और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? बिल्कुल डाल दी, कोई नो प्रॉब्लम भैया। ठीक है भैया। जय बोले जी की। जय बोले जी। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।